इंडस्ट्री में फिल्मों के रीमेक बनाने का चलन चल रहा है, जिसमें कहानी तो वही रहती है, बस किरदार बदल दिए जाते हैं। वॉरेंट एस के खिलाफ। उस रात राजवीर के संग ऐसा क्या हुआ? बॉलीवुड में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जो साउथ का रीमेक है और कई बड़े सितारे इनमें नजर आए हैं। लोगों को ये फिल्में काफी पसंद आई, लेकिन क्या आपको पता है कि साउथ की भी कई ऐसी फिल्में हैं जिनकी कहानी बॉलीवुड की फिल्मों से ली गई है, यानी बॉलीवुड फिल्मों का साउथ इंडस्ट्री में भी रीमेक बनाया गया है। ये सभी फिल्में बड़े पर्दे पर जबरदस्त हिट हुई थी और इनकी कहानी को भी खूब सराहा गया था। ऐसे टीचर हो ना? जी नहीं, मैं स्टूडेंट हूँ। What? साल 2004 में आई शाहरुख खान की फिल्म मैं हूं ना दर्शकों को खूब पसंद आई थी और ये बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। इस फिल्म में शाहरुख के अलावा सुनील शेट्टी, सुष्मिता सेन, जायद खान और अमृता राव नजर आई थी। इसके बाद साल 2008 में मैं हूं ना की तमिल रीमेक एंगन आई, जिसमें साउथ अभिनेता अजीत कुमार लीड रोल में दिखाई दिए थे। Yes, sir. Yes. साल 2003 में रिलीज हुई संजय दत्त और अरशद वारसी की फिल्म मुन्ना भाई MBBS एक कॉमेडी फिल्म थी। दर्शकों को फिल्म के साथ ही मुन्ना भाई और सर्किट की जोड़ी भी खूब पसंद आई थी। Yes, Your Honor. इस फिल्म का रीमेक शंकर दादा MBBS के नाम से रिलीज हुआ था, जिसमें चिरंजीवी मुख्य किरदार में थे। आमिर खान, आर माधवन और शर्मन जोशी स्टारर फिल्म 3 Idiots लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई थी और आज भी लोग इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं। फिल्म 3 Idiots को साल 2009 में रिलीज किया गया था और इसके बाद साल 2012 में इसकी तमिल रीमेक नानबन रिलीज हुई। जिसमें अभिनेता सत्यराज ने मुख्य भूमिका निभाई थी। बॉलीवुड के भाईजान यानी कि सलमान खान की कई ऐसी फिल्में हैं जो साउथ की रीमेक हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि सलमान की फिल्म का भी साउथ में रीमेक बना है? भाईजान की फिल्म दबंग साल 2010 में आई थी। फिल्म में लोगों को एक्शन के साथ ही चुलबुल पांडे और रज्जो यानी कि सोनाक्षी सिन्हा की केमिस्ट्री खूब पसंद आई थी। इस फिल्म के बाद साल 2012 में गब्बर सिंह रिलीज हुई और पवन कल्याण स्टारर ये फिल्म भी हिट साबित हुई। बताया जाता है कि ये फिल्म दबंग की रीमेक थी। Are you a virgin, Miss Arora? साल 2017 में रिलीज हुई फिल्म पिंक का कॉन्सेप्ट और मुख्य भूमिका में अमिताभ बच्चन की अदाकारी लोगों को खूब पसंद आई थी। फिल्म में तापसी पन्नू, कृति कुल्हार और एंड्रिया ने तीनों लड़कियों के किरदार निभाए थे। Are you a virgin? इसके बाद साल 2019 में इसकी साउथ रीमेक नैरकोंडा परवाई के नाम से रिलीज हुई थी और इस फिल्म में मुख्य भूमिका अभिनेता अजीत ने निभाई थी। तो ये थी कुछ बॉलीवुड फिल्म जिनके साउथ में रीमेक किए गए थे। ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें, अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात, डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप, अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।